चर्चा का हिस्सा चिरंजीव राव साहब जुड़े हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं और बड़े होंगे भविष्य में जाके, ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं। लाइव इस वक्त बड़ी बहस में जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है राव साहब आपका। धन्यवाद आपका। जी तो राव साहब, ये जो बयानात आ रहे हैं और आप टीवी पर आते ही छा रहे हैं, सोशल मीडिया पर आपका हरियाणा में आज की तारीख में सबसे ज़्यादा जिक्र हो रहा है, तो ये जो बयान आपने दिया है इसको क्या कहूँ मैं? कॉन्फिडेंस कहूँ, ओवर कॉन्फिडेंस कहूँ, आपको उलाहना दें, क्या करें? सबसे पहले तो आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। जहां तक बात रही, आप जानते हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं की बैठक चल रही थी, जिसके अंदर मैं अपने लोगों को संबोधित कर रहा था और उसमें हम लोगों ने जिन मुद्दों के ऊपर बात हो रही थी उनके अंदर लोगों की ये मांग थी कि पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार जो हरियाणा में है और हमें बिल्कुल भी प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है बीजेपी की तरफ से। और जब 10 साल हम लोगों की सरकार हरियाणा में रही तब हमारे यहाँ से 4-5 मंत्री थे पूरे दक्षिण हरियाणा से, और हमारे साथ जो सौतेला व्यवहार हुआ, जो हमारा पिछड़ापन है इलाके का, उसको लेकर मैंने ये बात रखी थी कि हम हमारी पार्टी के आगे ये मांग रखेंगे कि हमारी यहाँ से भी हक हमारे इलाके को मिलना चाहिए और अपने लोगों की आवाज उठाना, अपने लोगों की बात रखना, अपने इलाके की हकों की आवाज को उठाना, मैं मुझे सही कुछ गलत नहीं लगता। जी, उसमें कोई दो राय नहीं है राव साहब कि अपने लोगों की बात उठाई जाए, अपने जो साथ के लोग हैं उनकी सिफारिश कर दी जाए, तो थोड़ा अजीब नहीं लगता। लेकिन जब बात खुद से जुड़ी हो और फिर खुद को इस तरीके से हम चाहें कि मीडिया हम पे फोकस करे, पार्टी हम पे फोकस करे कि मैं उप मुख्यमंत्री पद का दावेदार हूँ, अभी टिकटों का आवंटन हुआ नहीं है, टिकट किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी, आपके प्रवक्ता हमारे साथ बैठे हैं गौर साहब, वो कह रहे हैं कि 2500 के करीब लोग हैं जिन्होंने अप्लाई किया है, तो फिर खुद को बिना टिकट मिले, बिना चुनाव जीते, बिना सरकार आए, खुद को उप मुख्यमंत्री घोषित करना, आपको लगता नहीं है कि ओवर कॉन्फिडेंस की श्रृंखला में आता है? राजपूत जी, पहली बात तो ये कि ये जो बयान मैंने दिया था ये किसी मीडिया के सामने नहीं दिया था, ये मैं अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहा था। उसके अंदर से किसी मीडिया के साथी ने उस क्लिपिंग को उठाकर उसके अंदर बात रखी, और मेरे को किसी पॉलिटिकल माइलेज लेने की जरूरत नहीं है। मैं कोई आज से राजनीति में नहीं हूँ या मुझे कोई पहली बार टिकट नहीं मांग रहा हूँ। आपको हमारा इतिहास पता है, मेरे दादाजी 3 बार विधायक रहे हैं, तब ज्वाइंट पंजाब था। मेरे पिता 6 बार लगातार विधायक रहे हैं रेवाड़ी से। मैं खुद आज से नहीं राजनीति में हूँ, मुझे कम से कम 20 साल हो गए, और मैं 2019 में तब विधायक बना था जब कांग्रेस पार्टी की विपरीत हवाएं थी, और मेरे चुनाव के प्रचार के अंदर अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, खुद आखिरी में नरेंद्र मोदी जी आए थे, हमारे मुख्यमंत्री जब मनोहर लाल जी थे वो 3 बार आए थे। तो हम लोगों ने तो विपरीत हवाओं के अंदर भी कांग्रेस पार्टी का झंडा हमेशा बुलंद किया है। और जो ये मैं बात कर रहा था ये अपने कार्यकर्ताओं के बीच में बात कर रहा था, और उन लोगों की जो मांग थी उसको हम उठा रहे थे। उसके अंदर कहीं मैंने ये नहीं कहा कि अंतिम फैसला जो है तो पार्टी हाईकमांड को करना है कि किसको बनाना है किसको नहीं बनाना है। मैंने अपने इलाके की तरफ से, अपने लोगों की तरफ से ये मांग रखी है केवल। जी राव साहब, आपके पिताजी को लेकर, आपके दादाजी की राजनीति को लेकर या आपकी योग्यता को लेकर इंडिया न्यूज़ हरियाणा कोई सवाल नहीं उठा रहा है, ये आप यकीन मानिए। हम सिर्फ ये कह रहे हैं क्योंकि अभी जैसे चुनावों की घोषणा हुई है, अभी 1 तारीख को मतदान होना है, उससे पहले टिकट बंटने हैं, नहीं, आपने भारतीय अभी जनता बोला ना पार्टी कि इसको भारतीय जन उलाना उलाने की तरह हम लोग लें, तो हाँ उस बात के ऊपर मैंने कहा कि कोई ऐसा नहीं है कि मुझे किसी पॉलिटिकल माइलेज की जरूरत है। जी पॉलिटिकल माइलेज उनको जरूरत होगी जो कभी न्यूज में नहीं रहते हो, जिनको माइलेज देनी है, मुझे किसी पॉलिटिकल माइलेज देने की जरूरत नहीं है। हाँ तो इस बयान को जिस तरीके से सोशल मीडिया में या मीडिया में पेश किया जा रहा है, आज 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 की बात है, आज की बात है, सुनिए सुनिए, आप हमारे मित्र हैं और रेवाड़ी के पास मेरा ननिहाल भी है, तो आपके परिवार की जो साख है, आपके परिवार का जो वहाँ पे प्रभुत्व है, उससे मैं परिचित हूँ, तो वो मुझे आप नहीं भी बताएंगे तो मुझे पता है।
मैं अलग बात कर रहा हूँ, राजनीतिक बात यह है कि ये आपके चाहने वाले भी बहुत होंगे, राजनीति है, और ना चाहने वाले भी बहुत होंगे। तो सोशल मीडिया में ये बात एक मुद्दा बन गई, और आज जो बावरिया साहब हैं उनसे भी ये सवाल पूछा रिपोर्टर्स ने, बहुत सारे रिपोर्टर्स थे वहाँ पे आपके बयान को लेकर, तो उन्होंने इसे ओवर कॉन्फिडेंस की संज्ञा दी। देखिए, मेरा जहाँ तक मत है इसके अंदर, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, क्योंकि हमने पार्टी की सेवा हमेशा साथ रहे हैं, पार्टी ने हमें बहुत कुछ दिया और हमने पार्टी के लिए बहुत कुछ किया है, और पिछले 5 साल से हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं पार्टी के लिए ही। और मुझे लगता है अगर मेरे प्रभारी जी को अगर ये और कॉन्फिडेंस लगा होगा तो हो सकता है वो उनका मत हो, और मैं उनकी हर बात को आशीर्वाद के रूप में लेता हूँ। जी, तो अभी चुनाव को लेकर कितना कॉन्फिडेंट है? और क्योंकि पिछले बार भारतीय जनता पार्टी ने नारा लगाया था अब की बार 70 पार, और कमोवेश यही नारा अब उदयभान जी लगा रहे हैं जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, तो आपके मुताबिक कांग्रेस को आने वाले समय में कितनी सीट्स मिलेंगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको याद हो 2019 के जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो कांग्रेस पार्टी की एक भी सीट नहीं आई थी, पर हमारा जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो हम लोग 31 सीट जीते, और अब की बार तो हमारा प्रदर्शन बहुत बेहतरीन रहा है, हम लोगों ने एक भी ना से 5 सीटें जीतकर हम लोगों ने अच्छा प्रदर्शन किया, और मेरे को पूरी उम्मीद है कि लोग एक बार फिर जिस तरह से हम लोगों ने काम किया 4 से 14 तक, उसको वापसी करवाते हुए हमारी भारी बहुमत के साथ एक बार फिर स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी। जी, चलिए, बहुत शुभकामनाएं आपकी। और एक छोटी सी सलाह पत्रकार के तौर पर, आजकल क्या है कि जो आपके लोग हैं आपकी सभा में ही बैठे हैं, हर एक आदमी एक रिपोर्टर है, उसके हाथ में एक मोबाइल आ गया है जो आपकी रिकॉर्डिंग भी कर लेता है, फोटो भी खींच लेता है। ऐसा ही एक वीडियो आजकल भारतीय जनता पार्टी के विधायक का भी वायरल हो रहा है ऑडियो, तो सोच समझ के हम बयान देंगे जहाँ भी बातचीत करेंगे, ये मेरी आपको सलाह है। बाकी तो आप राजनीतिक परिवार से, कई बार ऐसी बातें नुकसान पहुँचा देती है। मैं ये कह रहा हूँ, जो मैंने बोला था मैंने पूरी तरह से सोच समझ कर बोला था। हमारे इलाके के साथ लगातार भाजपा ने जो भेदभाव किया है, जो हमारे इलाके का जो पिछड़ापन है, उसके लिए हमारी मांग इसके अंदर है, और पार्टी हाईकमान को इस बात का फैसला करना है कि उन्होंने किसको बनाना है किसको नहीं बनाना है। पर मुझे लगता है अपनी बात रखने का हक तो हर किसी को है, और मैं अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहा था। जी, चलिए, ये बात तो मेरे को आपकी बहुत अच्छी लगी कि जो बयान आपने दिया था उस बयान पर आप कायम हैं, और आपकी मांग है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो आपको उप मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर सोचा जाना चाहिए, ये हाईकमान से आपकी मांग है। बहुत बहुत शुक्रिया राव साहब, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।